देखे बोरेली, जिसमें एसआरए की बिल्डिंग बनी थी, वो एसआरए के बिल्डिंग में बिल्डर ने पजेशन दे दिया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बहुत सारे कारणों से नहीं आया, और जूनों का वाटर कनेक्शन था वो यूज़ कर रहे थे लोग। महानगर पालिका के लोगों ने जाकर 2 लाख से भी अधिक कुछ बिल भरना है ये कहकर वो पानी का कनेक्शन काट दिया। सोसाइटी के लोगों ने 2 लाख रुपया के ऊपर जो भी बिल था वो तापर को भर दिया। 3 महीने हो गए, फी फॉर्म दिया है। ये 2 लाख भरने के बाद में लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन का बिल्डर ने पैसा भरा नहीं है, उसका एक नोटिस निकाला। अब ये लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन का सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी चालू है, उसका निर्णय अभी तक आया नहीं है, लेकिन उसका जो भी पैसा आपको लेने का बिल्डर के पास से ले लो, उसका जो काम चालू है वो अगर बंद करते तो फिर जिन्होंने पैसा लगाया वो भी तकलीफ में आ जाएंगे। इसलिए वो बिल्डिंग पूरा होने के पहले उसके पास से आप पैसा वसूल कर सकते हो, लेकिन एसआरए के लोगों को जो पानी का कनेक्शन दिया है उनका पैसा उन्होंने भरा है, ये चालू होना चाहिए। हम बहुत दिन से उनको कह रहे हैं। प्रशांत पुजारी नाम का हमारा कार्यकर्ता 5 दिन वहाँ पर धरने पर बैठा था, महानगर पालिका का एक अधिकारी वहाँ पर देखने के लिए गया नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम के कोई लोग वहाँ पर गए नहीं। मुझे कल का शाम को पता चला तो मैं उनको जाकर कहा कि तुम गलत जगह पर आंदोलन कर रहे हो, महानगर पालिका के ऑफिस के पास आंदोलन करो। तो आज महिला दिन होते हुए भी बहुत सारी संख्या में महिला यहाँ पर आई है, वो आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने हाइड्रोलिक इंजीनियर से भी बातचीत की है, मैंने कहा कि शाम तक पानी का कनेक्शन चालू होना चाहिए, अगर शाम तक पानी का कनेक्शन चालू नहीं होता है तो मैं पूरा धरना कल से पूरे दिन बैठने का मैं भी तैयारी करूँगा। और मेरी मांग ये रहेगी पानी का कनेक्शन तो हम चालू करेंगे, क्योंकि वो तो नियम में है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर जल, और जल देने के लिए कुछ नियम है, पैसे भरने चाहिए, लोगों ने पैसा लोगों ने भरा है और बाकी होगा वो भी भरेंगे। लेकिन गलत ढंग से जो पानी का कनेक्शन अधिकारी ने काटा है वो अधिकारी का भी यहाँ से ताबड़तोड़ बदली होना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर आप आधे घंटे बैठे, अभी कोई ऑफिसर आपको मिलने से नहीं है? मैं आधे घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ, कोई ऑफिसर आया नहीं है। पुलिस के लोगों को मैंने कहा है कि तुरंत आप इन्फॉर्मेशन दे दिए, नहीं तो हम सारे ऊपर उनके कार्य में घुसेंगे कार्यकर्ता। हम लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। ऑफिसर अगर यहाँ पर आधा घंटा होने के बावजूद अभी आया नहीं है, कुछ देर तक नहीं आएगा, तो आगे की जो भी रणनीति हमको तय करनी है वो हम करेंगे।